जामतुल मुफ्लिहात एंड फलाक ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ TV। आई नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज़ एक्सप्रेस की पहली खबर। राजस्थान में एक हालिया इलेक्शन रैली के दौरान पीएम मोदी को उनके बयान जिनके ज्यादा बच्चे हैं के रिमार्क पर निशाना बनाते हुए AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी के मर्द सबसे ज्यादा कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों के वफाकारी में बेहतरीन रिकॉर्ड रखते हैं। सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने हफ्ते के रोज यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI पर पाबंदी की मुखालिफत की थी और इसके बजाय BJP पर इल्ज़ाम लगाए कि वो कर्नाटक में PFI की पॉलिटिकल यूनिट के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हैदराबाद के एक शख्स को 5 मार्च 2022 को लंदन UK की एक रेस्टोरेंट में अपनी साबिका गर्लफ्रेंड को चाकू मारने के जुर्म में 16 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। श्रीराम अम्बल्ला और इसकी साबिक गर्लफ्रेंड 23 साल सोना बिजू जो केरला से थी, इनकी मुलाकात 2017 में हुई थी। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर कोंडा सुरेखा पर BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR के खिलाफ कुछ इल्जाम लगाकर मॉडल कोर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर नोटिस जारी की है। हैदराबाद की एक अदालत ने जुम्मे को फोन टैपिंग केस में 3 सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर की जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी है। नामपल्ली सिटी कोर्ट ने डी प्रणीत राव और बुजंगा राव और तिरुपन्ना की तरफ से फाइल की गई जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। BRS चीफ एंड फॉर्मर तेलंगाना CM KCR ने हफ्ते को BRS की 23वीं सालगिरह के मौके पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और Instagram में शमूलियत इख्तियार की है। X पर अपने पहले पोस्ट में उन्होंने सालगिरह के मौके पर पार्टी लीडर्स, कैडर्स और BRS के चाहने वालों को मुबारकबाद पेश की। BRS ने हफ्ते को अपना 23वां फाउंडेशन डे मनाया है, जबकि तेलंगाना में अगले माह होने वाले लोकसभा इलेक्शन के लिए जारी मुहिम के दरमियान और लोगों के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने के अजम के साथ मनाया है। तेलंगाना में कांग्रेस से इख्तदार होने के बाद पार्टी का ये पहला फाउंडेशन डे था। कांग्रेस और CPM के दरमियान इतिहाद की बातचीत का हफ्ते को नतीजा निकला, जब CM रेवंत रेड्डी और CPM स्टेट सेक्रेटरी तमिलनी वीरभद्रम ने ऐलान किया कि दोनों जमातें आम इंतखाबात में फिरका परस्त ताकतों को इख्तदार में आने से रोकने का मुश्तरका मकसद के साथ मिलकर काम करेंगे। फॉर्मर मिनिस्टर और एक्टर P. Babu Mohan और फॉर्मर MP मंदा जगन्नाथ उन 267 उम्मीदवारों में शामिल है जिनके नॉमिनेशन तेलंगाना में लोकसभा इलेक्शन के लिए मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन अथॉरिटीज ने तमाम 17 लोकसभा हलकों में 626 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन को कबूल कर लिया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद में अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान एक अवामी तकरीर में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर के शहर के दौरे के दौरान उनके रिमार्क्स पर जवाबी हमला करते हुए कहा कि साबिक का ताल्लुक औरंगजेब से था, अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो छट्टे बट्टे ढीले कर दूंगा। जामतुल मुफ्लिहात एंड फलाक ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी हैं। नर्सरी तक 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ। के अलावा 10th पास लड़के और लड़कियों के लिए 3 साल आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीब शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कुत्तापेट बालापुर, शरीफ नगर RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चे की दीन व दुनिया की मयारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।